इम्पोर्टेंट बिग कंसेप्ट जो हमें समझना है वो है ओशन टाइड्स। ओशन टाइड्स यानी मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो हमारे सी वाटर है उसकी हाइट में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं ज्यादा या कम, वो डिफरेंसेस को हम टाइड्स कहते हैं। राइट, टाइड्स कैसे डेवलप होता है कि सपोज यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, मून का ग्रेविटेशनल पुल इस तरह से जो है हमारे सी वाटर को लगेगा, यहाँ पे एक बल्ज जैसा क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस पुल। अब ये जो पुल है जो यहाँ पे क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उससे ही इक्वल अमाउंट में फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी बल्ज क्रिएट होगा, और ये जो बल्ज कहते हैं उसे हम हाई टाइड कहते हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं दिस इज द मून, यहाँ पे इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो बल्ज हुआ है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स, और यहाँ पे उसी के अमाउंट में अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है डेवलप। यानी कि अर्थ पे अगर मून जो है यहीं पे स्टेशनरी है तो अर्थ पे 24 घंटे में दो जगह पे हाई टाइड होगा और दो जगह पे लो टाइड आएगा। यानी कि अर्थ जो है यहाँ पे अगर मैं देखूँ 24 आवर्स में इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये एक जो लोकेशन है पहले यहाँ पे सन के नीचे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा लो टाइड आएगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा हाई टाइड आएगा, फिर यहाँ इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे फिर से लो टाइड होगा। राइट, तो 24 घंटे में दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स अर्थ पर आएंगे। लेकिन हमें पता है मून जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी अर्थ के अराउंड जो है 27.5 डेज में जो है रिवॉल्व करता है। राइट, इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी जो प्लेस है वो मून के अराउंड पूरे 24 आवर्स के बाद जो है उसके नीचे आती है, उसकी जगह पे डिफरेंस होता है 24.52 मिनट्स। यानी दोनों की जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है इसकी वजह से वो प्लेस मून के नीचे एग्जैक्टली 24 आवर्स 0.52 मिनट्स के बाद है। यानी कि दो हाई टाइड या दो लो टाइड्स के बीच का जो डिफरेंस जो 12 घंटे होना चाहिए उसकी जगह 12 घंटे और 26 मिनट्स का होता है। राइट, दिस इज अबाउट द टाइड। अब एक कंसेप्ट से कहते हैं टाइडल रेंज। टाइडल रेंज यानी अगर किसी कोस्ट पे जो हाई टाइड होता है और उसका जो वाटर लेवल बनता है और लो टाइड होता है उसका जो वाटर लेवल बनता है, उन दोनों के बीच के जो हाइट की डिफरेंस है उसे टाइडल रेंज कहते हैं। अब हर एक कोस्टल जो एरिया है उसकी अलग अलग टाइडल रेंज रहती है, क्योंकि ये तीन चीजें हर एक जगह पे अलग अलग होती है। फर्स्ट चीज है डेप्थ ऑफ द ओशन, उस कोस्टल रीजन के नीचे जो ओशन है उसके डेप्थ क्या है उस पर डिपेंड करेगी कौन सी कैसी टाइडल रेंज बनेगी। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन, यानी कोस्ट लाइन कैसी है, रगड़ है, स्मूथ है, राइट, ज़िगज़ैग है, उस पर इस टाइडल रेंज जो है डिपेंड करती है। थर्ड इज द ओपननेस और द क्लोजनेस ऑफ द सी, यानी यहाँ के जो आगे का जो ओशन है वो क्लोज एनक्लोज्ड है या ओपन है, तो इन सभी चीजों पर जो है टाइडल रेंज डिपेंड करती है। ज्यादातर जो एनक्लोज सीज होते हैं उनकी हाई टाइड की रेंज ज्यादा होती है। इस तरह से वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट टाइडल रेंज यानी लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो डिफरेंस है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बे ऑफ फुंडी के पास पाया जाता है। हमने अभी ओशन करंट्स में देखा न्यूफाउंडलैंड आइलैंड कनाडा के पास में, यहाँ नीचे एक और आइलैंड है नोवा स्कोटिया, ये एक्चुअली फेमस फॉर एप्पल कल्टिवेशन। यहाँ पे न्यू ब्रूसविंग करके एरिया है, इसके बीच में एक नैरो इलोंगेटेड जो पैसेज देख रहे हैं इसे बे ऑफ फुंडी कहते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस शेप फनल शेप यहाँ पे टाइडल रेंज जो है हाईएस्ट रहती है वर्ल्ड में। लो टाइड और हाई टाइड का जो डिफरेंस है सबसे हाईएस्ट रहता है। इंडिया में ऐसा सबसे हाईएस्ट टाइडल रेंज जो है गल्फ ऑफ खंभात में पाई जाती है। देखिए उसका भी अराउंड सिमिलर ऐसा शेप है फनल शेप, इसकी वजह से इसमें भी हाईएस्ट टाइडल रेंज इंडिया में पाई जाती है। दो डेफिनेशंस है ऐब एंड फ्लो। हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है, जब हाई टाइड वाटर लेवल इज फॉलिंग यानी कि हाई टाइड के बाद जब पानी का लेवल फ्लो जो है फॉल करने लगता है, हाई टाइड की शुरुआत होती है, सॉरी लो टाइड की शुरुआत होती है, लो टाइड जब आ जाता है उस बीच का जो टाइम पीरियड है उसे ऐब कहते हैं, यानी फ्रॉम हाई टाइड टू लो टाइड। फिर लो टाइड होने के बाद पानी का लेवल जब बढ़ने लगता है तो वहां से लेकर पूरा हाई टाइड आ जाता है वो जो टाइम पीरियड होता है उसे फ्लो या फ्लड कहते हैं। एपोजियन पेरिजी टाइड्स, एक्चुअली मून जो होता है वो सन जो अर्थ है उसके अराउंड इस तरह इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। राइट, इसकी वजह से मून की दो ऐसी पोजीशन होती है, चाहे एक पोजीशन में वो अर्थ से सबसे ज्यादा क्लोज होता है और एक पोजीशन में जो है अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है।
इस नजदीक के पोजीशन को पेरिजी कहते हैं और जो दूर की फार्थेस्ट पोजीशन है उसे अपोजी पोजीशन कहते हैं मून की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मून सबसे क्लोजेस्ट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अर्थ पे सबसे ज्यादा लगेगा कंपेयर टू अपोजी, इसीलिए पेरिजी के वजह से जो टाइड्स यहाँ पर आएंगे हाई टाइड्स उनकी जो इंटेंसिटी वो ज्यादा होगी, यानी ये हाई टाइड्स जब पेरिजी टाइड्स आएंगे तब हाई टाइड का लेवल है वो ज्यादा रहेगा राइट, कंपेयर टू अपोजी टाइड हाई टाइड से जो नॉर्मल लेवल है उससे भी कम यहाँ पे हाई टाइड का लेवल बनेगा अपोजी टाइड्स। और एक पोजीशन है जिसे सीजी की पोजीशन कहते हैं, यानी कि सन मून और अर्थ ये तीनों अगर एक ही लाइन में आते हैं तो उसे सीजी की पोजीशन कहते हैं। ये मंथ में दो बार होता है, एक होता है न्यू मून के टाइम पे और एक होता है फुल मून के टाइम पे। न्यू मून के टाइम पे मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है उसे कंजक्शन पोजिशन कहते हैं, और फुल मून के टाइम पे मून जो है यानी अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में, और इस पोजिशन को अपोजिशन पोजिशन कहते हैं। दूसरी पोजीशन जिसे क्वाड्रेचर पोजीशन कहते हैं, यानी कि मून जो है वो अर्थ और सन से इस तरह से राइट एंगल में होता है, यानी कि ये पोजीशन जो है क्वाड्रेचर पोजीशन बनती है। ये पोजीशन एक्चुअली सेवेंथ एंड एट्थ डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट बनती है राइट। अब इन दोनों पोजीशन की वजह से क्या होता है, दोनों ही पोजीशन से हाई टाइड आते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। स्प्रिंग टाइड यानी सीजी के पोजीशन में ये होता है कि सपोज यहाँ पे न्यू मून की पोजीशन अगर मैं ले लू कंजक्शन पोजीशन, तो यहाँ पे एक साइड पे दोनों ही सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी डबल ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, यानी इसकी वजह से जो हाई टाइड है वो बहुत ही ज्यादा हाई टाइड होगा, नॉर्मल हाई टाइड से पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होगा राइट। ऐसे टाइड्स को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। जब क्वाड्रेचर पोजीशंस होती है तब क्या होता है कि सन और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को काउंटरैक्ट करेंगे, यहां से भी ग्रेविटेशनल पुल हो रही है यहां से भी ग्रेविटेशनल पुल हो रही है राइट। अब पानी जो है वो तो लिमिटेड है अर्थ पे, अब दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को काउंटरैक्ट करती है और इसकी वजह से यहाँ पे जो हाई टाइड आएगा वो नॉर्मल हाई टाइड से भी कम होगा, जो पानी का लेवल है नॉर्मल हाई टाइड से भी कम होगा, तो ऐसे टाइड्स को नीप टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में 7 डेज का इंटरवल रहता है, इस तरह से उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। स्प्रिंग टाइड जो होता है वहां पे जो हाई टाइड आएगा, अगर सपोज नॉर्मल हाई टाइड इतना है तो जब स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड आएगा तब उसका लेवल इतना होगा, लेकिन जब स्प्रिंग टाइड में लो टाइड आएगा और नॉर्मल लेवल इतना होगा तो वो भी ऊपर रहेगा, इतना ज्यादा लो टाइड भी स्प्रिंग टाइड में नहीं है। नीप टाइड में क्या होगा कि अगर यूजुअल लेवल इतना है हाई टाइड का तो नीप टाइड में हाई टाइड का लेवल कम हो जाएगा, और लो टाइड जब आएगा तब अगर लो टाइड का लेवल इतना है तो और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड सीजी की पोजीशन में बनता है, ये क्वाड्रेचर पोजीशन में। स्प्रिंग टाइड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड मून का बोथ कंबाइन पे लगता है, नीप टाइड में दोनों का जो फोर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से काउंटरैक्ट हो जाता है। प्रीलिम 2001 क्वेश्चन, During the neap tides, please observe the words. Be careful in the reading. During the neap tides, high tide is lower and low tide is higher than usual. The neap tide, unlike spring tide, occurs on new moon instead of full moon. ये समझिए आप, neap tide, high tide is lower. High tide is lower. Normal high tide से जो है usual high tide से high tide lower. Right. Low tide is higher than usual. वो भी राइट, लो टाइड है वो यूजुअल हाई टाइड से भी ज्यादा लोअर है, ज्यादा लो है, ज्यादा हाई, हाई इन द अमाउंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, द नीप टाइड अनलाइक स्प्रिंग टाइड अकर्स ऑन न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून। हमने देखा स्प्रिंग टाइड न्यू मून और फुल मून का होती है, ना कि नीप टाइड्स राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसे टाइडल करंट्स कहते हैं। अगर कोई ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके फ्रंट पे वो इस तरह एनक्लोज होती है और फिर बाद में रियर पार्ट में उस तरह की जो है बड़ी होती है, ऐसे रीजन में अगर यहाँ पे हाई टाइड आते हैं राइट, तो वो जो नैरो पैसेज में से जो हाई टाइड करंट जो अंदर जाते हैं उन करंट को फ्लड करंट कहते हैं, और जो लो टाइड के करंट जो वापस जाएंगे यहाँ नैरो रीजन से उसे एब करंट कहते हैं, और जो ओपन रीजन में जो करंट पाए जाएंगे उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको कहा जाता है रोटरी टाइडल करंट्स।
जनरली इस तरह की जो एनक्लोज बॉडी होती है उसमें जो हाई टाइड आते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और जो एब करंट्स होते हैं उनकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा कंसेप्ट टाइडल बोट्स। जनरली कभी किसी रिवर की जो डेल्टा या उसका माउथ अगर नैरो होता है राइट, वो फनल शेप या फैन शेप इस तरह वो स्प्रेड नहीं होता और नैरो होता है। नैरो होने के साथ उसका जो बेस है वो भी काफी लोअर होता है, यानी कि इतना लोअर कि जो समंदर का जो लेवल है, समंदर का पानी भी उसके ऊपर आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके माउथ के साइड पे उस समुंदर में जब भी हाई टाइड आएंगे तब समंदर का पानी भी इस तरह रिवर के अंदर एंटर हो जाएगा राइट। और उसकी वजह क्या होता है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर का इस डिरेक्शन में मूव कर रहा है और वो टाइडल वाटर जो समंदर में हाई टाइड की वजह से आए वो सॉल्ट वाटर भी इस तरह से जो है मूव करता है और दोनों के बीच में इस तरह जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा वर्टिकली इस तरह से जो है ये टाइडल करंट जो है पास होते हैं। ऐसे करंट्स को टाइडल बोर्स कहा जाता है। इससे रिलेटेड 2004 में क्वेश्चन आया, द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट राइट। प्रीलिम में हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है कि ये नॉट और करेक्ट, कई बार हमें आंसर आता भी है लेकिन सिर्फ ऐसे सिली मिस्टेक की वजह से जो है हमें रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करके आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गल्फ विथ नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड। ट्रू, टाइडल करंट्स टेक प्लेस व्हेन अ गल्फ इज कनेक्टेड विथ ओपन सी बाय नैरो चैनल राइट। ट्रू, टाइडल बोर्ड्स अकर व्हेन अ टाइड एंटर्स इन अ नैरो शैलो एस्चुरी ऑफ रिवर राइट। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि एस्चुरी एक्चुअल में क्या होती है इन द ज्योग्राफिकली। जैसे मैंने बताया एक रिवर जो होती है उसका माउथ जो है नैरो रहता है, उसका लेवल जो है उसका बेस लाइन बहुत ही ज्यादा लो सबमर्ज होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिवर है जो जहाँ से ओरिजिन होती है वहां से सेडिमेंट्स जो इरोड कर करके जो लाती है अपने डेल्टा या माउथ में जो है वो डिपोजिट करती है। लेकिन ऐसी रिवर जिसका माउथ इतना लो है जिसके ऊपर सी वेव्स भी आ चुके हैं तो क्या होता है कि सी वेव्स उस डिपोजिशन को इरोड करते रहते हैं, रिवर्स उसे डिपोजिट करती है, वेव्स उसे इरोड कर लेते हैं। इसकी वजह से उसका माउथ जो है जब भी डिपोजिशन होगा वो नैरो ही रहता है, वो स्प्रेड नहीं हो पाता राइट, क्योंकि इरोजन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो ऐसी रिवर के जो माउथ होते हैं नैरो होते हैं जो लोअर बेस होते हैं उन्हें हम एस्चुरी कहते हैं। तापी एंड नर्मदा के जो माउथ है वो भी ऐसे एस्चुरी है राइट। यहाँ पे अगर हम गंगा का जो डेल्टा देखेंगे वो इतना बड़ा है, फनल शेप है। इवन यहाँ पे जो सारी रिवर कृष्णा गोदावरी रिवर महानदी रिवर सारे जो रिवर्स अलग अलग इस तरह ब्रांच में डिवाइड हो जाती है उनका फैन शेप उनके डेल्टा बनता है, लेकिन नर्मदा और तापी के इस तरह के नैरो एस्चुरी क्रिएट हुई है। प्लस ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे सारी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रीम्स है बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे जो है मर्ज होती है, उन सभी रिवर्स के डेल्टा या माउथ जो है इस तरह से एस्चुरी हुई है क्योंकि इन सारी रिवर्स के पास तो इतना सेडिमेंट्स ही नहीं होगा कि वो डेल्टा क्रिएट कर पाए राइट। तो यहाँ पे हमारी मोस्टली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्रिएट एस्चुरी। फोर्थ स्टेटमेंट उस क्वेश्चन का था, टाइडल नेचर ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर हुगली इज ऑफ द क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू कोलकाता पोर्ट। अब हमने देखा कि तने जो तीनों और स्टेटमेंट्स थे वो तो करेक्ट थे, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि कोलकाता जो पोर्ट है वो रिवराइन पोर्ट है, यानी वो एक रिवर पे लोकेटेड ना कि सी पोर्ट, हुगली रिवर पे लोकेटेड है। और इस रिवराइन पोर्ट होने की वजह से कलकत्ता की जो है तो उसकी लिमिटेशंस है। जब भी कोई रिवराइन पोर्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो रिवर के सेडिमेंट्स जो है कंटिन्यूसली वहां पे डिपॉजिट होते रहते हैं और उसकी वजह से जो रिवराइन पोर्ट होते हैं उसकी जो कुछ डेप्थ होनी चाहिए वेसल्स के आने के लिए जाने के लिए तो वो डेप्थ जो है कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द रिवराइन डिपॉजिट्स। तो ऐसे जो रिवराइन पोर्ट्स होते हैं वहां पे कुछ टाइम पे रेगुलरली आर्टिफिशियली ड्रेजिंग की जाती है, उन डिपोजिशन को जो है हटाया जाता है ताकि वो पोर्ट की डेप्थ जो है वो बनी रहे, तो वो एक लिमिटेशन है कोलकाता पोर्ट। दूसरी लिमिटेशन ये है कि हुगली रिवर के पास यहाँ पे टाइडल बोर्ड्स क्रिएट होता है, वो टाइडल बोर्ड्स अगर रिवर में इस तरह से वो फ्लो करके आते हैं कि वहां पे जो डॉकिंग शिप्स हैं पहले से जो रहे स्टैग्नेंट शिप है उनको वो टाइडल बोर्ड जो है वो इम्बेलेंस करते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द कोलकाता पोर्ट। इस तरह से मैंने बताया कि गंगा का तो डेल्टा बहुत बड़ा है और ऐसे रिवर्स में टाइडल बोर्ड्स नहीं हो सकते, रिवर जो है काफी उसका माउथ है इलोंगेटेड नैरो होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे डैडलबोज यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, बट ये जो ब्रांच है डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा हुगली रिवर, यहाँ पे कोलकाता लोकेटेड है। और यहाँ पे जब हाई टाइड आता है इस रीजन में, तब इस रिवर की जो नैरो माउथ है वहां इसके अंदर टैडल बोर्ड्स कोलकाता तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो इसीलिए कोलकाता में टैडल बोर्ड्स आते हैं और इसके डॉकिंग शिप्स को वो इम्बेलेंस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा होना यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूटरी यानी अपोजिट ऑफ ट्रिब्यूटरी। कोई भी रिवर की ट्रिब्यूटरी हो वो क्या काम करती है? किसी भी रीजन से वो पानी ओरिजिनेट होती है, पानी लेती है और वो पानी मेन रिवर की स्ट्रीम में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उससे उल्टा ये डिस्ट्रीब्यूटरी मेन रिवर में से पानी ले लेती है यहां से और एक अलग ब्रांच बना के वो उसी में मर्ज हो जाती है। सो ऐसी रिवर जो उसे कंट्रीब्यूट करने की जगह पे उसका पानी लेकर अलग तरह से फ्लो करके सी में मर्ज होती है, ऐसी रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो गंगा की ये हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, राइट। और ये जो कोलकाता है वो इट इज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ट्रिब्यूटरी। और ये जो लेफ्ट और राइट बैंक कभी भी किसी सिटी का कैसे डिसाइड होता है? फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, रिवर जिस ओरिजिन से जो है इमर्ज होती है वहां से इसका लेफ्ट और राइट बैंक डिसाइड होता है। ना ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोलकाता जो है वो राइट बैंक पे, लेकिन रिवर के लिए लेफ्ट बैंक है, राइट। सो कभी प्रीलिम में भी क्वेश्चन आता है दिस सिटी इज ऑन द लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक, तो वो हमें इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। टाइड के इंपॉर्टेंस क्या है? टाइडल हाइट्स, टाइड्स आते हैं, हाई टाइड होता है, पानी का लेवल बढ़ता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि कुछ पोर्ट्स ऐसे डेवलप हुए होते हैं कि उनके आगे बहुत ही नैरो पैसेज होता है या पानी का लेवल कम होता है। तब हाई टाइड की वजह से क्या होता है कि पानी का लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से जो लार्ज वेसल्स है वो पोर्ट में जो है एंटर कर पाते हैं। तो टाइड है इस तरह के जो हार्बर्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड, टाइड्स जो होते हैं वो वहाँ उस पोर्ट के आसपास जो शिल्टिंग हुआ होता है, ये जो डिपोजिशन होता रहता है वेव एक्शन की वजह से, उसको इरोड करके टाइड जो है ले जाते हैं। जब हाई टाइड आता है वहां के डिपोजिशन को वो लो टाइड के साथ वापस ले जाता है। तो इसी तरह से डीसिल्टिंग का, नेचुरल डीसिल्टिंग का काम भी टाइड्स करते हैं जो रिवर एंड पोर्ट्स में नहीं होता है। रिवर एंड पोर्ट्स में आर्टिफिशियली ड्रेजिंग करके सिल्टिंग हटानी पड़ती है। टाइडल एनर्जी, ये हाई टाइड और लो टाइड जो हो रहा है, पानी एंटर हो रहा है वापस जा रहा है, उस पानी की जो फोर्स है उससे भी हम टर्बाइन को घुमा के एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। इसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब देखेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे प्रीलिम का एक क्वेश्चन। टाइड्स आर ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग। नो, कैसे? टाइड्स कुछ नेविगेशन में, फिशिंग में हेल्प नहीं करते। दे हेल्पफुल इन पोर्ट्स, पोर्ट्स में एंटर होने के लिए, बाहर जाने के लिए हेल्प करता है। टाइड्स इनेबल बिग फिश, बिग शिप्स टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली। ट्रू। टाइड प्रिवेंट्स सिल्टिंग ऑफ द हार्बर। ट्रू। कंडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स। कंडला इज वेरी फेमस टाइडल पोर्ट, बट वॉट अबाउट डायमंड हार्बर? क्वेश्चन में ये जो है स्टेटमेंट गलत है। आंसर जो है 2-3 स्टेटमेंट वो जो है राइट है। दिस इज कंडला पोर्ट एंड दिस इज डायमंड हार्बर। कंडला पोर्ट यहाँ पे हमें पता है कच्छ में है, यहाँ पे सॉरी, और ये टाइडल पोर्ट है, राइट। ये जब पार्टीशन हुआ, कराची पोस्ट, कराची जो पोर्ट था वो इंडिया ने लॉस कर दिया, इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडला जो है फर्स्ट इंडिया ने जो डेवलप किया था। डायमंड हार्बर का नाम आते ही हमारे दिमाग में कोलकाता आता है और कोलकाता रिवर एंड पोर्ट है, तो हमें हमेशा लगता है कि डायमंड हार्बर भी जो है रिवर एंड पोर्ट होगा। बट एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे आगे आप अगर इसको लाइन को करें, यहाँ पे कोलकाता है और यहाँ पे हुगली रिवर जो है इस तरह सी में मर्ज हो जाती है, यानी दिस इज द एंड ऑफ हुगली रिवर। यह हुगली रिवर का माउथ है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे डायमंड हार्बर लोकेटेड है, राइट। सो डायमंड हार्बर भी सी में लोकेटेड है, वो भी एक टाइडल पोर्ट है। यहाँ पे एक हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट वो जो डेवलप एक्चुअली किया गया है टू डीकंजेस्ट द कोलकाता पोर्ट, राइट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पोर्ट हल्दिया। टाइडल पोर्ट्स और नॉन टाइडल पोर्ट्स में डिफरेंस ये होता है कि टाइडल पोर्ट्स आर फीड बाय द सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड, और जो नॉन टाइडल पोर्ट्स होते हैं दे आर फीड बाय द रिवर वाटर्स। टाइडल पोर्ट्स जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्ट, रिवर राइन जनरली थोड़े इनलैंड होते हैं लाइक कोलकाता पोर्ट। टाइडल पोर्ट्स वेरी फेमस कंडला पोर्ट। इसके साथ कुछ इंडियन ज्योग्राफी देख लेते हैं। 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। कंडला पोर्ट जैसे मैंने बताया फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बॉम्बे।
वो एक्चुअली मुंबई पोर्ट को डिसकंजेस्ट करने के लिए थोड़े से आगे रीजन में उसे डेवलप किया गया है। कर्नाटका का पोर्ट मरमागांव वो एक्चुअली आयरन ओर जो है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। कर्नाटका में कुद्रेमुख करके आयरन माइंस है, वहां से आयरन जो है यहाँ इस मरमागांव से जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में वो भी कुद्रेमुख से आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए बना है, उसके लिए फेमस है। कोची पोर्ट केरला में एक लगून के जो एंट्रेंस है वहां पे लोकेटेड है। तुतिकोरिन पोर्ट वो श्रीलंका और मालदीव्स के कार्गो भी हैंडल करता है, उसके लिए फेमस है। चेन्नई, हमें याद रखना है कि डिस्पाइट इट्स द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, लाइक ब्रिटिश ने चेन्नई पोर्ट को डेवलप किया था, बट इट इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि जो नेचुरल पोर्ट होते हैं उनकी डेप्थ नेचुरली इतनी ज्यादा होती है कि लार्ज वेसल्स वहां पे एंटर कर पाते हैं, डॉकिंग हो पाती है। आर्टिफिशियल पोर्ट यानी उसकी जो है डेप्थ आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है ताकि वो पोर्ट बन पाए, तो इस तरह से चेन्नई जो है डेवलप किया गया है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इज अ डिपेज लैंड लॉक पोर्ट ऑफ इंडिया, वहां से भी आयरन ओर, छत्तीसगढ़ में आयरन ओर की माइंस है, वहां से विशाखापट्टनम में आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है मोस्टली इन जापान। कोलकाता पोर्ट हमें पता है इट्स रिवर आयरन पोर्ट, उसके आगे उसे डीकंजेस्ट करने के लिए हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया है। एंड द पारादीप पोर्ट इन ओडिशा, इनिशियली इसको आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, बट नाउ द मोस्ट ऑफ द टनेज इज टेकन ओवर बाय विशाखापट्टनम। राइट, आगे और डिटेल में हम इंडियन ज्योग्राफी में ऑफकोर्स देखेंगे। अभी हमने देखा मोशंस ऑफ ओशन वाटर, हॉरिजॉन्टल मोशंस वेव्स एंड करंट्स, वर्टिकल मोशंस में टाइड देखे, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग देखी हमने। टाइडल एनर्जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। टाइडल एनर्जी ऐसे ही जगह पे डेवलप की जाती है जहां पे वाटर बॉडी के आगे नैरो जो है उसका इनलेट हो, यानी कि कोई एक बैरेज पहले बनाया जाता है और बैरेज बनाने के लिए वो सी जो है एनक्लोज्ड होना चाहिए। राइट, अगर ओपन सी में बैरेज नहीं बना सकते तो एक एनक्लोज जगह पे एक बैरेज बनाया जाता है इस तरीके का, और फिर जब हाई टाइड आता है तब उसके जो ये गेट्स है ओपन किए जाते हैं, पानी जो है यहाँ पे भर जाता है इस रीजन में, जो एनक्लोज रीजन है वहां पे पानी भर जाता है, हाई टाइड जो है उसका लेवल बन जाता है। राइट, फिर उसे बंद किया जाता है। जब हाईएस्ट लेवल उसका पहुंच जाता है उसके बाद जब लो टाइड का टाइम आता है ये उसके फ्लड गेट्स जो है उसे खोल दिए जाते हैं। बहुत ही स्पीड में ये पानी जब वापस जाता है टर्बाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द टाइडल एनर्जी इज बीन प्रोड्यूस्ड। ऐसे वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह जहाँ टाइडल एनर्जी इकोनॉमिकली वायबल है और प्रोड्यूस की जाती है। वेरी फेमस इज द ला रांस इन द फ्रांस, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नैरो वाटर बॉडी है और यहाँ पे इस तरफ उसके नैरो पैसेज पे बैरेज क्रिएट किया गया है, उसके नीचे जो है फ्लड गेट्स होंगे जो हाई टाइड में ओपन होके पानी इकट्ठे करते हैं। राइट, फिर जब लो टाइड आता है फ्लड गेट ओपन होता है, लो टाइड के दौरान यहाँ पे टर्बाइन जो है वो मूव करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में भी हाई टाइड जो है इस तरह की टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी पोटेंशियल है हमारी 8000 मेगावाट्स एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीन रीजन ऐसे पाए गए पोटेंशियल रीजन जहां पे टाइडल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड सुंदरबनी एरिया, जहां पे इस तरह के नैरो वाटर बॉडीज होनी चाहिए बैरेज बन सकता है, वैसे ही ये तीन रीजन है। राइट, खुशी की बात यह है कि गुजरात में सबसे बड़ा टाइडल एनर्जी जो प्लांट है वो बनने की शुरुआत भी हो चुकी है इन 2012। एक्सपेरिमेंटल बेस से 50 मेगावाट का प्लांट गल्फ ऑफ कच्छ में जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो गल्फ ऑफ कच्छ में इंडिया का फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्लांट जो है वो बन रहा है। एक और तरीके की एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है जिसे टाइडल स्ट्रीम एनर्जी कहते हैं। मैंने बताया था कि यूएसए के पास में जो गल्फ स्ट्रीम पास होता है, जो करंट है हमारा ओशन करंट, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर इतना ज्यादा है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है हम पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही ओशन करंट से भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। लोअर कोस्टल एरिया में इस तरह के विंड मिल्स जैसे जो है यहाँ पे विंड टर्बाइन्स वहां पे प्लेस किए जाते हैं, ऊपर से जब यहाँ पे ओशन करंट्स, फास्ट मूविंग ओशन करंट्स पास होते हैं, इन विंड टर्बाइन्स जो मूव करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे टाइडल स्ट्रीम एनर्जी कहते हैं। राइट, हमने वेव्स, करंट्स, टाइड्स एंड अपवेलिंग यानी हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशंस दोनों ही हमने देख लिया, टाइडल एनर्जी भी हमने देख लिया। सो
दिस इज द एंड ऑफ द